विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में रविवार को 3 बजे अचानक पहले हल्की बर्फबारी हुई और देखते ही देखते बर्फबारी तेज हो गई। इस दौरान तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बाद में बर्फबारी ज्यादा होने के चलते पुलिस के द्वारा 3 टीमों का गठन कर केदारनाथ को खाली करवाया गया। बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं केदारनाथ धाम में -2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया, जो कि रात के समय और भी कम हो गया। मौसम के बदलते मिजाज के बाद अब यहां पर पानी भी जमने लगा है। कुछ यात्री काफी ठंडा महसूस कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ चौकी प्रभारी विपिन चंद्र पाठक ने केदारनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों से गर्म कपड़े साथ में लाने की अपील भी की है और इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद किए गए हैं। मैं पौड़ी से आई हूँ, मुझे स्नोफॉल देख के बहुत मजा आ रहा है। वैसे तो हम रहते हैं जबलपुर में, वो प्लेन एरिया है, तो ये बहुत मजा आ रहा है। आज अचानक से यहाँ पर श्री केदारनाथ में तकरीबन 1 घंटे का स्नोफॉल हुआ, करीबन 2 से 2.5 इंच तक यहाँ पर बर्फ गिरी है। तो सभी को मंदिर परिसर हमने खाली करा के सभी को होटल लॉजेज में भेज दिया है और अभी विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाने से हेलीकॉप्टर चलने शुरू हो चुके। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।